press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अभी घर का भाड़ा कहाँ से दूंगा मैं? मेरे बच्चे का स्कूल का फीस का कहाँ से दूंगा? बता। सबको वहीं पर है, घर पे चला रहे, घर पे जाए क्या करेगा? घर पे जाके क्या करेगा? बता ना तू। ये बहन जो चुती है क्या? अब उन पैसा जमा करने का ही क्या जमा करते हैं? मना करना चाहिए डिपॉजिट करो। डिपॉजिट किया फिर क्या लोग डिपॉजिट कर रहा है, दे नहीं रहा, दे नहीं रहा। डिपॉजिट लाख रुपया करता है, अब देता है 1000 रुपए। अभी 6 महीने में एक बार कल आया डिपॉजिट करने, तो बराबर 20,000 रुपए डिपॉजिट स्लिप है मेरे पास। स्लिप भी पड़ा हुआ मेरे पास, कल का पड़ा हुआ स्लिप, तो नहीं लेना चाहिए डिपॉजिट। कल का बोलेगा दिवाला हो गया तो क्या करेगा? आरबीआई पे जाएगा रोज रोज टाइम निकाल के। अभी घर का भाड़ा देना होगा, भाड़ा वाला मान लिया क्या? इतना बैंक का क्या हो गया, हमको क्या मालूम? आज बच्चों का स्कूल का फीस भरना मान लिया क्या? मंगलवार की सुबह जैसे ही लोगों को पता चला कि पीएमसी यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक इसका दिवाला निकल चुका है, तो लोग अपना पैसा वापस लेने के लिए बैंक में इकट्ठा होने लगे। बैंक के खाते धारकों का गुस्सा, उनकी भीड़ और उनका हंगामा देखकर बैंक के मैनेजर ने वहां से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। कोई बड़ी दुर्घटना न हो इसके मद्देनज़र अनायानगर पुलिस ने शांतिनगर के सेक्टर 5 स्थित इस बैंक पर अपनी सुरक्षा कड़ी कर दी। इस मामले में खाते धारकों से जब हमने बात की तो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कुछ इस तरह बताया कि हालत यही रहने वाली है। हमने अपना एकदम कंजूसी कर कसर करके अपना घर में जमा किया था, ये अभी सारे चले गए, अभी हम लोग क्या करेंगे उसका कुछ रस्ता नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ कि मुझे बीजेपी इस बार चाहिए ही नहीं। अगर मैं चाहती हूँ जनता अगर सुधरे तो कांग्रेस अगर खाती थी ना तो खिलाती भी थी। और क्या, नहीं तो मेहनत करेंगे क्या? झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन इसके सिवा है क्या रास्ता लेडीज के पास? और क्या करेंगे? घर भी, बच्चों को भी संभालना, हस्बैंड को भी संभालना, और ये अभी ये इधर देश की हालत खराब हो गई है तो हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं कुछ बोलने की ऐसे हालत में भी नहीं हूँ। आज तो मैं तो अंदर नहीं गई, 1000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन 1000 से क्या होगा मेरा? क्या क्या जरूरत रहती है आपको पैसे की? क्या वो तो आपको पता है ना पैसे की जरूरत क्या है? अभी वो भीख मांगना है बस, दूसरा कुछ नहीं करना है। आज एक बैंक की हालत खराब हुई है, अभी तो धीरे धीरे देखो कितनी बैंक जाएगी, वो बाद में पब्लिक को मालूम पड़ेगा, फिर उनको लगेगा अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। कोऑपरेटिव बैंक में तो मैं कहती हूँ जनता प्लीज पैसा डालो ही मत, वो सरकारी बैंक में भी धीरे धीरे यही हालत होने वाली है, आप देख लेना कैसा होने वाला है। एक ये देख लो दूसरा 5 साल में क्या हालत होने वाली है देश की, ये बाद में मालूम पड़ेगा। 60,000 कल ही मैं 40,000 डिपॉजिट करके गया, 20,000 डिपॉजिट करके गया कल ही। क्या बोल क्या रहे लोग? अभी 1000 रुपया दे रहे हैं, अभी तो अंदर जाने नहीं दे रहे, अभी 1000 रुपया दे रहे हैं बस, बाकी का पैसे का क्या है कुछ बता ही नहीं रहे। पैसे आपका लेके गुजारा होगा फिर, अगर पैसा नहीं मिलेगा क्या होगा? तो वही तो सोच रहे ना, वही तो हम सोच रहे गुजारा कैसे होगा। अभी बच्चों का स्कूल का फीस कटना है, लाइट बिल कटना है, मेंटेनेंस कटना है, वो सब पैसा कहाँ जाएगा? पूरा महीने के मेंटेनेंस के हिसाब से पैसा जमा किया था, अब पूरा सब जगह चुकाना है तो कहाँ से चुकाएंगे हम लोग ये सब पैसा? 60,000 रुपीस। अभी बैंक के लोग क्या बोल रहे हैं अंदर? अभी तो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जिम्मेदारी रिजर्व बैंक का है, बोलो रिजर्व बैंक का जिम्मेदारी है। जिम्मेदार कौन है? रिजर्व बैंक ही रहेगा ना, और कौन रहेगा ना? पहले से इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना, ये सब इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना पहले, ये अचानक से तुम कर दोगे एक दिन पहले की, एक दिन पहले बोल दोगे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो बैंक में लोगों का पैसा जमा किया ना, लोगों का क्या फुकट का पैसा है क्या? लोग जमा करके मेहनत करके पूरी महीने की जमा करते, किसलिए जमा करते? इसलिए जमा करते क्या? बैंक बंद करके बैंक पैसा हजम करके भाग जाएगा, पब्लिक मर जाएगी, इसमें क्या करेगा वो सब है? छोटे 1000 में क्या पगार फी भरेगा तो क्या करेगा 1000 में क्या करो? ये है चीटिंग, 1 महीने पहले नोटिस मारना चाहिए, तो 1 महीने पहले नोटिस रिजर्व बैंक ने भेजा तो दिखाया क्यों नहीं? हाँ वो हाँ मेरा भाई का 4 लाख रुपया है, अभी क्या बोलते 1000 है, बाद में आगे प्रोसीजर करेंगे। तो रिजर्व बैंक ने क्या बताना चाहिए? लेटर चाहिए रिजर्व बैंक से तभी ये रिजर्व बैंक ये है, अभी ये जवाब नहीं दे रहा है। चलता है खाली बस आके, उसी में जज गया।
घंटों तक कतार में खड़े रहने के बाद में जब खातेधारकों के हाथ में 1,000 रुपये मिला तब उनके चेहरे की खुशी ही कुछ और थी, मानो वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। 1,000 रुपये मिला तक, 1,000 रुपये सेल्फी में आपका खुद का तोड़ना। पीएमसी बैंक का दिवाला निकल जाने के बाद लाखों खातेधारकों को मदद करते हुए कांग्रेस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और सीनियर कांग्रेसी लीडर मुजफ्फर हुसैन ने अपना एक वीडियो जारी किया है, आइए जानते हैं कि क्या कहा उन्होंने अपने इस वीडियो में। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को किसी भी प्रकार के लोन्स, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स के ऊपर पाबंदी लगा करके सर्वसामान्य जनता के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय किया है। आरबीआई ने अपने लेटर में ये कहा है कि सिर्फ 1,000 रुपया ही बैंक से विड्रॉ किया जा सकता है। ये गिरती हुई मंदी, आर्थिक इकोनॉमिक जो गिर रही है, इकोनॉमी का जो डाउनफॉल हो रहा है, ये उसके 100% उसके रिजल्ट्स है। मगर इसके चलते हुए कॉमन जनता का उसमें क्या दोष है? गरीब जनता जो अपनी छोटी मोटी सेविंग्स वहां रखती है, डिपॉजिट्स रखती है, करंट अकाउंट में रखती है, सेविंग अकाउंट में रखती है, ये सारा पैसा आज आरबीआई ने रोक दिया है। हम जनता से अपील करेंगे कि आप अपना रिटर्न, अपना क्लेम आपके पास डिपॉजिट्स में, सेविंग्स में, करंट अकाउंट में, जो भी आपकी डिपॉजिट्स थी उसके संदर्भ में आरबीआई को लेटर एड्रेस करें और अपने पैसे का क्लेम करें। हम एक वेबसाइट शुरू करेंगे जिसके ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और हम आरबीआई और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपकी तरफ से इस काम में मदद करेंगे और आपके जो पैसे इन बैंकों में रुके हुए हैं वो दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शहर की सभी छोटी बड़ी और नई खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।